चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अभी पेपर वन के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो है सबके लिए कॉमन पेपर रहता है आपके बीएड फर्स्ट ईयर में। देन आपके फर्स्ट चैप्टर आता है आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। देन उसके बाद आएगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें कि चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एडोलसेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें छोड़ के चले गए तो आपकी वो रिपीट नहीं होगी, वो दूसरे सब्जेक्ट में भी रिपीट होगी। और इसी के फोर्थ चैप्टर में, ये देखिए फोर्थ चैप्टर में भी जो है एडोलसेंस के ऊपर पूरा यही सेम टू सेम दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट, जो कि फर्स्ट में दिया हुआ है कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो ये टॉपिक आप गो थ्रू हो जाइएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है एक बार। ऐसा नहीं है कि एज इट इज ही लिखना है, इसको आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और इन सब स्टेजेस में जो है रोल ऑफ टीचर भी आप जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इसमें एजुकेशन के ऊपर ही सारी बातें होती हैं और एजुकेशन के ऊपर इसमें पूछा जा सकता है कि टीचर का क्या रोल है, या एजुकेशन में ये चीज कितनी, ये डेवलपमेंट जो है क्या रोल प्ले करती है। देन उसके बाद आपकी मेंटल आ गई, इमोशनल आ गई, सोशल आ गई एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब आती है इसमें। तो एडोलसेंस का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन प्याजे थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्याजे थ्योरी सिर्फ इसी सब्जेक्ट में है या इसी चैप्टर में है, रिपीटेटिव होती रहेगी ये आपकी, तो इसलिए ये भी पढ़ लेंगे आप तो काफी कुछ आपका पहले ही कवर हो जाएगा। देन कॉलबर्ग थ्योरी आती है आपकी, वो भी आप इसमें से कर सकते हैं, कॉलबर्ग थ्योरी कर सकते हैं, ये भी रिपीटेटिव होती है। एंड एरिक्सन थ्योरी है, ये आप कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आती है, बट यस यू कैन रीड इट। ये भी जो है एक सब्जेक्ट में दोबारा से रिपीट होगी और ये बहुत ही इजी है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रखा है सब कुछ। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है। अगर आप लास्ट मतलब ऐसे लास्ट में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पास कर सकते हैं इजीली। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये देख सकते हैं आप इसमें। देन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, जो कि आपका 16 मार्क्स में आ सकता है। 4 मार्क्स के लिए आप सब कुछ एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइएगा इनके, जैसे मैच्यूरेशन क्या होती है, डेफिनेशन आपको पढ़नी है मेन, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। पेरेंटिंग स्टाइल कौन से होते हैं ये आपको पढ़ना है, ये भी बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी है ये। ये इस बार के एग्जाम्स में भी आया था 2023 के में, किसके टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल बताइए, तो किस किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो आ सकता है आपका। इम्पैक्ट क्या है मीडिया पे, मीडिया का बच्चों के ग्रोइंग अप पे, एडोलसेंस पे, ये भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के हिसाब से इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा, और जो मैंने 16 मार्क्स के बताए हैं वो आप 16 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे इस बार का पेपर था गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल आए थे जिसमें वही आपको लिखने हैं, इंडलजेंट है, ऑथोरिटेरियन है, ऑथोरिटेटिव है, वो सब पेरेंटिंग स्टाइल आपके इसमें आएंगे। देन प्याजे थ्योरी आई हुई है इसमें डिटेल में, हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट का आया हुआ है, और वो कैसे जो है इंपॉर्टेंस है उनकी, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो आपको डिस्कस करना था। ये आपका क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड इस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब में आएगा, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग वो रहता है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू यूनिट सेकेंड। सेकेंड यूनिट में आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे सारी बात है, ये सब चीजें आप फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ चुके हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या कॉजेज होते हैं, उनके एनवायरमेंट क्या रोल प्ले करता है, हेरिडिटरी क्या रोल प्ले करती है, ये सब कुछ आपका फर्स्ट यूनिट में भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको हर यूनिट जो है फुल फुल पढ़ के जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है एक बार सिर्फ उस टॉपिक को रीड कर लेंगे ना, तो वो आपके माइंड में ये हो जाएगा कि आपने वो पढ़ा है, और यू कैन राइट इट अगर वो 4 मार्क्स में आता है, बिकॉज 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, कॉग्निटिव लर्निंग आप पढ़ सकते हैं इसमें, क्रिएटिविटी का टॉपिक आप लर्न कर सकते हैं। इनको बहुत एक्सप्लेनेशन में जाके या बहुत अच्छी तरह से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 16 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर 4 मार्क्स में आता है तो ताकि आप लिख सके इतना आपको पता होना चाहिए। देन आपका इंटरेस्ट आ जाता है, एप्टीट्यूड आ जाता है, असेसमेंट आ जाते हैं, ये आप पढ़ के जाइए। देन आपके इंटरव्यू के टाइप्स आ जाते हैं इसमें, वो इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, वो 16 मार्क्स में भी आ सकता है आपका। देन इसमें इंटेलिजेंस के टाइप क्या है, गार्डनर की थ्योरी क्या है, वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी क्या होती है, ये 4 मार्क्स में आपका आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के साथ साथ 16 मार्क्स में भी आ सकते हैं, बट आपको आप इनको इतना कम से कम प्रिपेयर करके जाएंगे, बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। पर्सनैलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जा सकते हैं। क्या बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो मैंने पहले ही बता दिया, गार्डनर की थ्योरी क्या है वो आपकी आ सकती है, स्लो लर्नर्स क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, और
डिसलेक्सिया क्या है, जो बच्चों की प्रॉब्लम है वो इसमें सारी की सारी लर्निंग प्रॉब्लम उनकी कौन कौन सी होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ये वैसे जो है ये आपका सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप यू कैन राइट एनी थिंग, आप लिख के बना के लिख सकते हैं इसमें। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। देन इंटरव्यू के इसमें टाइप्स आ जाएंगे आगे। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप 16 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है इसमें। एनिकडोटल रिपोर्ट जो है ये 4 मार्क्स में आ सकता है आपका। तो ये थे सेकंड यूनिट के हिसाब से, ये काफी बड़ी यूनिट है, एक प्ले आप कर सकते हैं। प्ले बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है इसका, फॉर्म्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं प्ले से रिलेटेड, ये भी आपका 16 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है, प्ले एंड गेम्स जो है। तो ये आपके सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे इस बार के एग्जाम में आया था गार्डनर्स की थ्योरी आई थी आपकी, इंटेलिजेंस क्या होती है, गार्डनर की थ्योरी क्या है वो आई थी, जिसमें आपको प्रॉपर पॉइंट्स में लिख के आना था कि म्यूजिक के बेसिस पे उन्होंने करेक्टराइज कर रखा है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे कर रखा है, कोग्नेटिव बेसिस पे, वो सारा आप इसमें लिख सकते हैं। देन प्ले का क्या सिग्निफिकेंस है, कोग्नेटिव और फिजिकल इमोशनल में कैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, और इसके शॉर्ट आंसर में आया था टाइप ऑफ इंटरव्यू। टाइप ऑफ इंटरव्यू में यहाँ सिर्फ 4 ही टाइप के आपके इंटरव्यू लिखने थे, जो 1-1 मार्क्स के आपके स्कोरिंग हो जाता 4 नंबर का। तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करनी है ईच यूनिट, कि आप जो है अगर 4 मार्क्स में उनका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो अच्छे से अच्छा लिख के आ सके, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसमें फुल मार्क्स आराम से मिलते हैं, 4-4 मार्क्स हर किसी में। तो ऐसा ना हो कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही ना हो। अब जैसे पर्सनैलिटी है वो कितनी ईजी चीज है, आपको भी पता होता है पर्सनैलिटी, हम फिजिकली देखते हैं बंदे की, उसके फेस से पता कर सकते हैं, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है, वो पर्सनैलिटी वाइज कैसा है, वो चीज होती है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ये ईजी ईजी चीजें हैं, अगर आप इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ना तो 4 मार्क्स में यू कैन राइट ईजिली। देन आपकी थर्ड यूनिट आ जाती है, ये मेरी फेवरेट यूनिट थी, इसमें लर्निंग की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। देन उसके बाद इसमें थ्योरीज हैं, और वो थ्योरीज मैंने इतने इजी वे में आपको समझाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में यूनिट 3 का, तो वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई हैं, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप आराम से बना के उसे लिख सकते हैं। जो ये सारी थ्योरीज हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके 4 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, और आपके जो है 16 मार्क्स में इन सब में से एक पे क्वेश्चन 100% आता है अगर ये थ्योरीज आप करके जाते हैं तो। जैसे फर्स्ट थी थोर्नडाइक की थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं, ये आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लर्निंग को आप डिफाइन कीजिए, लर्निंग की डेफिनेशन लिखा है आप 2-3, और उसके बाद जो है थोर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन सी थी, ये डायग्राम की वजह से मैंने आपको सारा ये डिटेल में जो इतना दे रखा है ना, ये मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में वहां समझा रखा है आपको, तो ये आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। जब आपको समझ आ जाएगी कोई चीज तो आप उसको जो है आराम से लिख सकते हैं, रट्टाफिकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्लासिकल थ्योरी में और थोर्नडाइक की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये सारा ये इस बार की क्वेश्चन पेपर में आई भी थी 16 मार्क्स में, क्लासिकल थ्योरी क्या है। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपको टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, मुश्किल से 1 आवर में ये आपकी सारी कवर हो जाएंगी आप मेरे अगर नोट से करते हैं तो। देन क्लासिकल में एंड ओपरेंट में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस 4 मार्क्स में आ सकता है, 16 मार्क्स में नहीं आता है। कोग्नेटिव लर्निंग क्या होती है, मतलब इनसाइटफुल लर्निंग, इसकी क्या थ्योरी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, ये कभी नहीं आता, मतलब जनरली नहीं आता है 16 मार्क्स में, ऐसा नहीं कह सकते कभी नहीं आता है, आ सकता है ये भी, और इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल थ्योरी है ये। ये देखने में आपको बहुत लेंथी लगेंगी और बहुत डिफिकल्ट लगेंगी, बट आप मेरे नोट से करते हैं तो बहुत ईजी है ये। देन उसके बाद आता है आपका टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें आप जो है इसको 4 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, 16 मार्क्स के हिसाब से आती है तो भी लिख सकते हैं, जनरली ये 16 मार्क्स में कभी नहीं आती है, ये 4 मार्क्स में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब आप इसे एक बार पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे मेरे नोट से जो मैंने यूट्यूब पे बता रखा है, तो आप सुन भी लेंगे तो भी इनफ है, आप आराम से बना के लिख के आ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म आपका आ जाता है 4 मार्क्स में भी और 16 मार्क्स में भी, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वो हर सब्जेक्ट में लगभग लगभग आपको मिलेगा कि ट्रेडिशनल और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे क्या डिफरेंस होता है, कैसे होते हैं, ये सब मैंने कवर कर रखा है अपने नोट्स में, कंस्ट्रक्टिविज्म का भी पूरा कवर कर रखा है। तो ये चैप्टर में सारी थ्योरीज ही थ्योरीज हैं, देन प्याजे की थ्योरी जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वही रिवाइज है, आपको दोबारा यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देन बर्नर्स कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी आपकी रिपीटेटिव है, आती है जनरली, मतलब बहुत ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन में भी आएगी, और आपके एक और यूनिट में है ये, तो ये भी जो है रिपीटेटिव रहती है, ये भी आप कर सकते हैं मेरे नोट से।
देन यही था इसमें इंपॉर्टेंट मींस आप थ्योरी कर लेंगे सारी तो आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म की आप डेफिनेशन कर जाइए और सारी थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ के चले जाइए ताकि आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी 4 मार्क्स का आता है वो आराम से अटेम्प्ट हो जाए और थ्योरी अगर आप करके जाते हैं तो 16 मार्क्स का आपका 100% डन हो जाएगा। ये था इस बार का पेपर रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। या आप बना के भी लिख सकते हैं कि टीचर का क्या रोल होता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस डेवलप करने में बनाने में, मतलब ये लर्निंग से रिलेटेड है, जहां उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां ये टॉपिक कवर कर रखा है। देन उसके बाद इसके 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे उसमें था कि डिफाइन लर्निंग, लर्निंग आपका डेफिनेशन आना ही आना है, ये आप पक्का मान के चलिए। जैसे टीचिंग वाले चैप्टर में टीचिंग की डेफिनेशन 100% आती है, इसमें ये डेफिनेशन 100% आएगी। उसके साथ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पूछ ली है, अभी ऑपरेंट कंडीशनिंग आ सकती है, थॉर्नडाइक की थ्योरी आ सकती है, कोलबर्ग की आ सकती है, कोई भी थ्योरी आ सकती है इसमें। देन उसके बाद है बर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग की कौन कौन सी थी, जो एनएक्टिव इनएक्टिव ये वाली लर्निंग है वो भी आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसी आप यूनिट में पढ़ेंगे तो इसलिए इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ये कई जो है सब्जेक्ट जो है कवर कर देता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट। लास्ट आपकी यूनिट आती है, ये भी काफी इजी यूनिट है। डिप्रिवेशन की बात की गई है इसमें, डिप्रिवेशन की डेफिनेशन कर लीजिएगा, पॉवर्टी की और मार्जिनलाइजेशन, ये तीन टॉपिक हैं इसमें जो आपको कवर करने हैं। इसमें डेफिनेशन आ जाती है, उसके साथ इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। जनरली पॉवर्टी कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है, ग्लोबलाइजेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी चाइल्ड के लिए, अर्बनाइजेशन क्या होती है, वो कैसे इम्पैक्ट डालती है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। एडोलसेंस वाला सारा का सारा वही है जो आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, तो वो सारा एडोलसेंस का इसमें दोबारा रिपीट हुआ है, इसीलिए चैप्टर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सारा ही एडोलसेंस का जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था वही 20-30 पेज इसमें दोबारा से रिपीट किए गए हैं। मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स में आ सकते हैं या 8 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे 8 मार्क्स में आपके 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दो ए और बी पार्ट बना दिए कि चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स या सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स, ये क्वेश्चन आपके 8-8 मार्क्स में आ सकते हैं। सोशल स्कूल कल्चर क्या होता है 4 मार्क्स में आ सकता है, रिलेशनशिप विद टीचर्स क्या होता है, पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है, बुलिंग क्या होती है, ये 4-4 मार्क्स में आपके आ जाते हैं जनरली। तो इनके टॉपिक जो है मैंने सारे अपने जो है नोट्स में कवर कर रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीइंग आउट ऑफ स्कूल क्या होता है, ओवरेज लर्नर क्या होता है, एग्रेशन क्या होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 4 मार्क्स में कोई भी आ सकता है। जनरली आप सुन भी लेते हैं आपको पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे। बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज आया था 4 मार्क्स में, जो कि आपको जनरली मैं बता रही हूँ कि सारे आपको पढ़ के जाने हैं 4 मार्क्स के हिसाब से, मतलब पढ़ने बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेरे नोट्स देख लेते हैं तो उसमें मैंने ये कवर कर रखे हैं छोटे छोटे सारे टॉपिक। देन उसके बाद है करंट इशू क्या है रिलेटेड टू एडोलेसेंस स्ट्रेस का, टीचर क्या रोल प्ले करती है उसमें, ये आपका फर्स्ट यूनिट में भी आ सकता है, फोर्थ यूनिट में भी आ सकता है एडोलेसेंस वाला, ये क्वेश्चन पक्का है एडोलेसेंस का, चाहे फर्स्ट यूनिट में आएगा चाहे फोर्थ में आएगा, तो ये आप कवर कर लीजिएगा। चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। देन उसके बाद है कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन का, इकोनॉमिक चेंजेस का, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एज में, क्या उनका रोल पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का और इकोनॉमिक चेंजेस का। इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमी हमारी कैसे डेवलप कर सकते हैं हम इंडिया में, वो क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 16 मार्क्स में पिछले 5 ईयर्स के पेपर्स में दो बार रिपीट हुआ है। दैट्स इट फॉर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। मैं आपको प्लेलिस्ट की जो है इसका लिंक डाल देती हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो इसके नोट्स हैं।